70 साल में पहली बार मोदी एक युद्ध का समा बांध रहे हैं। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ, जिसने लद्दाख में 14,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा जमा लिया है, जिसने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर चीनी गांव बसा लिया है, जिसने सिक्किम की तरफ घुसपैठ शुरू कर दी है, जिसने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया है, या पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है? नहीं, मोदी ने भारत के किसानों के खिलाफ युद्ध का समा बांधा है। दिल्ली गाजीपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, गलती से मैंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बोला है। बोलने की वजह है, जो यहाँ का की स्थिति है, जो दृश्य है, वो कुछ उसी तरह का है। लोगों के यातायात को, जो लोग पैदल जाते थे, जो लोग मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें वो फादने की कैपेसिटी है, सब लोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर दीवार के दोनों तरफ 10-10 फीट गड्ढे खोद दिए गए। बस इतना ही। सड़कें खोदी जा रही हैं, फेंस उठाए जा रहे हैं, तार के बाड़ लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर कीले गाड़ी जा रहे हैं, और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि कोई किसान अपने देश की राजधानी दिल्ली में दाखिल ना हो जाए। 70 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है।